पहले तो पूरी मीडिया को वेलकम काजल टीम की तरफ से, मेरे पूरे दर्शकन के हर हर महादेव। और जो काजल ट्रेलर के बाद बड़ा अलग ट्रेलर बा, बड़ा अजीब किस्म फिल्म बा, ऑडियंस से कुछ अलग मिले वाला बा। और हमसे जो पूछ रहे ये बात, तो मैं चाहूँगा कि पूरी मीडिया एक बार कैमरा पैन करे आनंद जी की तरफ और उनसे पूछा जाए कि ट्रेलर कैसा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। इट वाज टू बिकॉज हम तो अपनी खट्टी दही को भी अच्छा बोलेंगे, तो अब आप लोग बताओगे कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है मीडिया टीम को भी बहुत अच्छा लगा। और अगर हमारा पूरा मीडिया टीम के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का अच्छा लगा तो हम चाहें कि यहीं पूरा ऑडियंस का अच्छा लगे और ट्रेलर के नीचे रिव्यू जरूर लिख लेंगे कैसा लगा। ब्रज जी, ये तो आदित्य की बात हुई जी। जब ट्रेलर बन रहा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स रहे होंगे जो आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे, लेकिन ट्रेलर की अपनी लिमिटेशन होती है, 4 मिनट 5 मिनट तक ही हो सकता है। उन शॉर्ट्स को कैसे ये हुआ कि भाई ये शॉर्ट नहीं रखेंगे? प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर को हर एक शॉर्ट पसंद होता है। इसीलिए देखिए, इस फिल्म में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक साफ सुथरी फिल्म है जी। तो इसके कोई भी शॉट्स कहीं भी रखे जा सकते थे जी। तो इसमें कुछ चुनाव की बात नहीं थी कि हमें इन चीज़ों को बचाना है या इससे हमें ज़्यादा ये डाल के वल्गरिटी वगैरह डाल के कई लोग बना लेते हैं ट्रेलर, जो ताकि लगे कि लोगों का अट्रैक्शन हो आवे। तो हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। एक पारिवारिक फिल्म होने के नाते इसमें साफ सुथरी जितने भी फिल्म के सीक्वेंस थे, सीन्स थे, उसमें कोई खास सब तो रखा नहीं जा सकता था। लेकिन हमारी ऑडियंस, खास करके बिहार की ऑडियंस, इतनी चालाक है कि चावल का एक दाना से वो समझ लेता है कि हांडी कैसी है, पकी है या नहीं पकी है। तो मैंने बस यही काम किया है कि उसमें से 2-4 दाने ट्रेलर में डाल दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक समझ लेगी कि ये फिल्म कैसी अच्छी है, पकी हुई है और कहीं से हाजमे को खराब नहीं करेगी। सर, जहाँ तक पकने की बात है तो आप तो बड़े पके हुए डायरेक्टर हैं, बहुत अनुभव है आपको फिल्में दुनिया का। आज के माहौल में जैसी फिल्में बनती हैं बेसिकली, वैसी फिल्म शायद काजल नहीं है। राइट, काजल एक फिल्म है जो सिनेमा का जो गोल्डन पीरियड था, आपको मैं समझता हूँ 70s to 1988 तक, 70s 80s के जो फिल्में होती थी तो वो दिल को छूती थी। इट वॉज नॉट ए प्लास्टिक वर्ल्ड। तो लोगों ने क्या कर दिया, आजकल टेक्निकली इतना जगलरीज डाल दिया है कि वो प्लास्टिक वर्ल्ड हो गया है। फिल्म देख के लोग निकलते हैं, भूल जाते हैं कि क्या देखा। हाँ, लेकिन 70s to 80s में जो फिल्में होती थी, लोग देखते थे, घर में जाके डिस्कस करते थे और वो अपना दिमाग लगाते थे कि अगर ऐसा होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, या ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2019 में भी काजल ऐसी फिल्म है कि जिसको देखने के बाद हमारी जनता अपने घर पे अपने भाइयों से, अपने इवन वाइफ पत्नी जो भी हों उनके परिवार के, वो डिस्कस करेंगे और इससे हमें बहुत फीडआउट भी मिलेगा कि उनको फिल्म कैसी लगी और क्या लगी। मतलब यादों में रह जाएगी ये फिल्म। मतलब बाकी फिल्में देखने के लिए आप इसे दिमाग को घर छोड़ के जाते हैं, इस फिल्म में दिमाग को लेकर के जाएं और पूरे दिमाग के साथ फिल्म को देखें। राइट, और सोचें। आदित्य जी सर, फिल्म का नाम काजल है, इसमें दो काजल हैं, लेकिन फिलहाल आज कोई काजल नहीं है, क्यों ऐसा? जो हमारी फिल्म के काजल हैं वो अभी शूट पे हैं और शायद आने वाली हैं, आई एम नॉट श्योर, ऑन द वे हैं, और अभी आपके सामने शायद दोनों काजल आ जाएंगी, दोनों ऑन द वे हैं। अर्शित, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर ब्रजभूषण सर एंड आदिल सर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। एंड मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे मतलब आज आकर के मतलब यहाँ देखा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग मैटर। सो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे चांस दिया, डेब्यू किया है मैंने इस फिल्म से। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और रामदेवन सर ने इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कोरियोग्राफ किया हुआ है सॉन्ग्स को, अमेजिंग। और आदित्य जी ने वंडरफुल काम किया मेरे साथ में, इज़ अ मिस्टर बिहार। और मैं फिर से थैंक्स बोलूँगा सारे टीम को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आदिल सर को, ब्रज सर को और आप सभी मीडिया वालों को, थैंक्स ऑल ऑफ यू मीडिया पर्सन। नजर तो नहीं आया, लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो ढिसम ढिसम से भी ज्यादा आपको इसका क्लाइमेक्स में मजा आएगा।
समझे ना। और एक्चुअली अभी एआर डिजिटल इंटरटेनमेंट बैनर के तहत बनी है, और आदिल साहब जो हमारे निर्माता हैं ये चाहते हैं कि वही जगह को पाया जाए जो जैसे नसीर साहब थे, सुल्तान साहब थे, ऐसे बड़े बड़े मेकर जो लोग हुआ करते थे, आरके बैनर होता था, यस बैनर होता था। तो फिल्म को जब तक आप पूरे परिवार के लिए नहीं बनाएंगे, पूरी फैमिली जब तक नहीं देखेगी, फिल्म बहुत सुपरहिट हिट नहीं होती है। तो हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें युवा, खास करके इस फिल्म का दर्शक जो है युवा लड़कियां, युवा लड़के और इवन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, इन तीनों को विशेष ध्यान रख के ये फिल्म बनाई गई है काजल। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों अगर आ गए हमें हमारी फिल्म को देखने तो बस हो गया, बहुत सारे ऑडियंस मिल जाएंगे, सारे युवा लड़का, युवा लड़कियां और उनके पेरेंट्स, मतलब पूरा घर कवर हो गया। पूरा घर कवर हो गया। आदिल भाई की आवाज आएगी वहां से? हां, बहुत अच्छी से। हां, टेबल थोड़ा सा सटा दीजिए। जी, संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि ब्रजभूषण जी बता रहे थे कि फाइट एक्शन जो है वो ट्रेलर में शायद रखा नहीं गया या क्लाइमेक्स उससे ज्यादा मजेदार है, आज बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली सिर्फ फाइट देखने के लिए फिल्मों सिनेमा में जाते हैं, जो कि जिन्हें एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। अब उस ऑडियंस की जो ट्रस्ट है, जो ईगर है, उसे कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? जी, आप जब जाएंगे फिल्म ये देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि कैसी फिल्म बनी है। एक्शन वाला दौर है ये, अब थोड़ा सा बदलाव लाना है जी। तो ये बदलाव हम लोग इस फिल्म में ले आप जो एक्शन वाले दौर की बात कर रहे हो, जब 90s में फिल्में पूरी एक्शन चलती थी, उस बीच में एक फिल्म आई हम आपके हैं कौन जी, जिस फिल्म में आई थिंक एक सिंगल थप्पड़ भी नहीं था और फिल्म में काफ़ी एक अलग इतिहास रचा, जिस टाइम सिर्फ एक्शन ही चल रहे थे, सनी देओल जी की एक्शन होता था, उसके बाद अक्षय कुमार, सब लोग एक्शन पैटर्न में थे, उस टाइम एक फिल्म आई हम आपके हैं कौन, जिसने एक अलग इतिहास रचा। तो शायद मे बी काजल फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये भी एक इतिहास रचते नहीं। और एक्शन को लोग गलत फहमी ये लेते हैं कि एक्शन का मतलब घिसम घिसम, इट इज़ नॉट एक्शन। एक आदमी बैठा है वो उठ के चलने लगा, ये भी एक्शन है, है ना। एक आदमी बिल्कुल सोया है, उठ के खाने लगा, वो भी एक्शन है। तो एक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि ये ढिसम ढिसम ही हो तो एक्शन कहते हैं। शूटिंग करते हैं तो फिल्म में, फिल्म हमारी एक्शन में है पूरी। आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग देखेंगे, जो एक थ्योरी है कि मूवी मस्ट मूव, यस। तो लोगों ने क्या किया है कि आजकल जैसे कैमरा रख देते हैं और उसमें आर्टिस्ट मूव करते हैं, लेकिन हमारा मेकिंग में, हमारे मेकिंग में ये रहता है कि आइदर कैमरा मूव करता रहता है या कैरेक्टर मूव करते रहते हैं, मतलब मूवी मस्ट मूव, हमेशा मूव करता रहता है और एवरी मोमेंट इज एक्शन। और वो जाके क्लाइमेक्स में एक ऐसा रूप पकड़ता है एक्शन का, हेवी वार्तालाप भी एक्शन होता है। लखनऊ के लोग लड़ते हैं तो पत्थरों से और डंडे से नहीं लड़ते हैं, बातों से ही लड़ते हैं, लेकिन बातों से ऐसी लड़ाई होती है कि आपको मज़ा आएगा। जब कभी लखनऊ तो आप गए ही होंगे और देखे भाई, भाई लखनऊ के? हाँ नहीं, मैं आजमगढ़ का हूँ। तो आजमगढ़ का हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है आप लखनऊ, मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 250 किलोमीटर दूर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो आपने अभी कहा पके हुए, तो ये डायरेक्टर पके हुए नहीं है, इनका एक्सपीरियंस इतना है, ये कहिए ये पके हुए नहीं है, ये इतने एक्सपीरियंस इनके पास है, 40 to 45 years का एक्सपीरियंस इनके पास है। और आज भी ये लोकेशन पे पहुंच जाते हैं 7 बजे 7:30 बजे और 8 बजे 9 बजे तक भी शूट करते हैं, थकते नहीं है। तो पके हुए नहीं है, एक्सपीरियंस के बारे में पके हुए, हांडी जो हांडी पकती है वो नहीं है कि पक गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, नहीं सर, ये तो एकदम जवान मुझे लगता है, हम दोनों से ज्यादा जवान है। सर ब्रज जी, फिल्म तैयार हो गई है, इसके जो गाने हैं अब वो कब हमें डिजिटल पे सुनाई देंगे, दिखाई देंगे? मैं तो आप लोगों को आज ही 8वां गाने दिखाता हूँ। वी आर लकी सर। और आई थिंक 4:30 तक आपका स्टार्ट कर देता हूँ, आप देखिए। और रही बात आपने जो कहा कि आपकी नायिकाओं में से नहीं आई हैं, तो इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि नए नए लड़कों को, नई नई लड़कियों को जैसे पिक्चर में लिया हूँ, जब भी लिया हूँ वो व्यस्त हो जाते हैं,
और यहाँ तो बात ही अलग है कि ऑलरेडी वो व्यस्त कुछ आर्टिस्ट को लिया ही था, और ज़्यादा व्यस्त हो गए, तो वो और ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो ये है, अभी ये हर्षित हैं, ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले इंटरव्यू तक ये भी व्यस्त रहेंगे, कहीं चले जाएंगे, कहीं और शूटिंग में रहेंगे। मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाँ, आदित्य जी हैं और काजल है, तो ये लोग तो पहले से काम कर ही रहे हैं, मैं आपके लिए तो और भी ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। आदमी जब बिजी हो जाता है तो उसकी ये मजबूरी हो जाती है कि वो मतलब मिलने से भागता नहीं है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, वो वक्त कम हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, शेड्यूल बिल्कुल बिजी हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग इतने बिजी हो जाएं कि मुझे भी इनसे टाइम लेना पड़े। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। हम उस वक्त का वेट करेंगे। आज में कब तक आएगी फिल्म काजल के थिएटर्स में, कब तक आएगी? आप प्रोड्यूसर, मुझे लगता है सबसे सही जवाब आप दे सकते हैं। 21 जून को रिलीज होगी। 21 जून का डेट लॉक हो गई है। 21 जून लॉक हो गई है। कैसे रिलीज होगी? पहले बिहार, झारखंड रिलीज होगा? पहले बिहार, क्योंकि भोजपुरी फिल्म बिहार के लिए ही होती है। अगर भोजपुरी फिल्म को कोई लंदन के लिए बना ले, इटली के लिए बना ले, तो वो गलत ही राह होगी। मतलब तो फिल्म बिहार के लिए है, भाषा यूपी, आधे यूपी और बिहार की भाषा है भोजपुरी, इसलिए आधी यूपी और बिहार को ही ध्यान में रख के हम लोग रिलीज भी करेंगे। उधर देख रहा था, तो पहला रिलीज बिहार में तो है नहीं सर। लेकिन जो फिल्म लंदन की बनी थी वो भी मुझे लगता है बिहार में ही पहले रिलीज हुई थी। हुई थी, लेकिन वो पर्सपेक्टिव लोग अलग रखते हैं, पर्सपेक्टिव अलग रखते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ग्लैमर या बहुत ज़्यादा जगलरीज दिखाएंगे तो फिल्में चल जाएंगी, लेकिन दरअसल आज भी झिगनी का लत्ती और गोईठा थापा हुआ दीवार वही बिहार का असल मामला होता है। आदि साहब, ये फिल्म तैयार है, अब आगे क्या क्या प्रोजेक्ट है आप? अब आगे एक फिल्म अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, आप अनाउंस कर दीजिए। अगली फिल्म जो शुरू की जा रही है बिहार, बिहार हम बिहार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बिहार बड़ा यूनिक नाम है जी। यूनिक नहीं है, बिहार तो स्टेट का ही नाम है। उसके नाम पर फिल्म शायद किसी ने, हाँ, किसी ने नहीं बनाई है, बनी है, जैसे बिहारी बाबू बनी है, या एक बिहारी छैला बिहारी, या एक बिहारी सब पे भारी, ऐसा कुछ बनी है। तो हम लोग बिहार बने, सब में सब टाइटल में मुझे लगा कि समथिंग कॉम्प्लेक्स है, इधर इन्फिनिटी या सुपेरिटी, कहीं तो सुपेरिटी का दिखाया जा रहा है कि एक बिहारी सब पे भारी, तो सुपेरिटी वाली बात है, जो कि ऐसा नहीं है। तो हम इन बातों से अलग होके, विलग होके एक फिल्म सीधे बनाने जा रहे हैं बिहार। उस बिहार में बिहार की संस्कृति झलकेगी, बिहार का संगीत दिखेगा, बिहार क्या है और कब, तब क्या था, आज क्या है और कल बिहार को कहाँ होना चाहिए, इन तीनों बातों का ध्यान रखा जाएगा। सर, कब तक फिल्म शुरू हो जाएगी बिहार? बस राइटिंग का काम शुरू हुआ है, हो गया है अब, इट विल टेक टाइम, थोड़ा राइटिंग में समय लग जाता है हम लोगों को, और बाय दैट टाइम तक ये काजल का भी सब सिलसिला हो गया रहेगा, रिलीज हो गया। कास्ट एंड क्रू फाइनल है बिहार की? अभी विशेष नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जैसे मेनली ये लोग हैं अपने फिल्म के साथ हैं, तो वो लोग तो मेजर जो हैं वो तो रहेंगे ही, और बहुत भी उसमें बहुत सारे लोगों को फाइनल करना है, बहुत सारे लोगों को फाइनल करना है वो तो डिसाइड करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि चूंकि एकदम विंडो बंद नहीं कर देना है कि ये हीरो हो गए, ये हीरोइन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन। सर, बिहार की जब बात होती है, बिहार का आपने कहा कि संस्कृति दिखाएंगे, कला दिखाएंगे, लेकिन बिहार में अपहरण, लूट, बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा। तो मैंने जी मैंने तीन शब्दों में कहा कि तब बिहार क्या था, अब क्या है और कल क्या होना चाहिए, इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। तो आपने जो कहा कि ये अपहरण है, ये है, तो ये अब की बात है, तो अब तो दिखाएंगे ही, और तब का भी दिखाएंगे जब नालंदा था, वहाँ एजुकेशन करने के लिए लोग वर्ल्ड से आते थे, है ना, और कल क्या होना चाहिए वो भी दिखाएंगे। तो सर, आप फिल्म बनाएंगे बिहार और मुंबई में रिलीज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिहार के लिए तो रिलीज करेंगे ही। देखिए, मुंबई एक ऐसी जगह है कि समझिए कि आर्थिक राजधानी है देश की, तो जब भी हम बिहार की बात करके अगर देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो बॉम्बे में तो रिलीज करना ही पड़ेगा। और आज मुंबई में भी तो आधे यूपी बिहार के लोग हैं, तो रिलीज तो करना ही पड़ेगा, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा, जब बिहार को छोड़ के वो मुंबई आए हैं
जो यूपी को छोड़ के हम सब मुंबई आए हैं, क्यों आए हैं? अगर शायद हमारे यूपी बिहार में उतना जॉब रहता होती या जो फिल्म इंडस्ट्री रहती तो हम यहाँ मुंबई नहीं होते, वहीं से काम करते। एक्चुअली इस फिल्म का मकसद भी ये रहेगा कि बिहार के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ लोग पाल के रखे हैं कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, बिहार के लोग वैसे होते हैं, जो शायद उनको जानकारी नहीं है। तो ये हमारी फिल्म बिहार विशेष तौर से बता पाएगी, लोगों को दर्शा पाएगी कि एग्जैक्ट बिहार है क्या। और इसको जानने के लिए कश्मीर वाले भी जानना चाहेंगे, हर स्टेट का 2700 स्टेट के लोग जानना चाहेंगे। तो इन दैट वे इट्स गुड। अभी भाई जब कहानी आपको बताई गई होगी नई फिल्म की, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिनमें फिल्म बनाई जा सकती है, सिनेमा को पूरी लिबर्टी है, किसी भी विषय पर बनाया जा सकता है। आप इस कहानी के लिए क्यों तैयार हुए फिल्म बनाने के लिए? क्या आपको इतना खास लगा? किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया कि भाई बिहार एक विषय हो सकता है? बिहार हो सकता है ये तो नहीं है, लेकिन बिहार पे एक फिल्म बनानी थी, ज़रूरी है। इस ये दिखाना है कि पहले बिहार क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, ये दिखाएंगे उस फिल्म में। ट्रेलर बहुत खूबसूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए, और बहुत हम सब ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ आप सब ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स और लाइक्स दीजिए। बहुत ही स्पेशल फीलिंग आ रही है, हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है और इतना फिर से जी बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और हम सबके लिए। भोजपुरी में एक किसी ने कहा कि पहली बार किसी हीरोइन के नाम पे फिल्म बनी हुई है और लकी वो मैं हूँ पर्सन, और बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं, और मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और बहुत लक वाली फीलिंग आ रही है और होप सो आगे भी बहुत अच्छा है। चैलेंजिंग नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मा हर एक चीज़ें मुझे बताती हैं और मैं बहुत ही लकी हूँ मैं कहा जाए, क्योंकि बहुत से न्यूकमर्स आते हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है, बट मेरी मम्मा थी शुरुआत से मेरे साथ, वो मुझे हर एक चीज़ें बताती हैं, एक एक बारीकियाँ जो होती है एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और जब भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करना रहता है तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है हमारी। जी आदित्य जी के साथ पहली फिल्म थी मेरी और हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है इस फिल्म में, और उम्मीद करेंगे हम आगे भी रिपीट हो हमारी जो जी। पहले तो मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है इसमें दो मत नहीं है, बहुत अच्छा लगा ट्रेलर में। ट्रेलर का हर गाने बहुत अच्छे हैं इसमें दो मत नहीं है, आदित्य जी का, काजल जी का बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। सच में मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और लकी बात है काजल के नाम पर। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी परेशान थी कि काजल किस तरह से इतना इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी, लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि काजल बहुत अच्छे से काम की है, ट्रेलर और मैं कुछ सीन भी देखी हूँ जैसे लकी में, बहुत ही सारी पूरी टीम सबसे पहले तो भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार करता हूँ, मैं श्रीवास्तव की तरफ से नमस्कार। और आज जो अभी काजल का टीजर देखा, बहुत ही अच्छा बना है, एक साफ सुथरी अच्छी भोजपुरी फिल्म
जिसका दर्शकों को वर्षों से इंतजार है वो फिल्म है काजल। इसके सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, इसके निर्देशक ने बहुत अच्छा काम किया, इसके निर्माता जो आदिल साहब है दिल खोल करके पैसा खर्च किया है, जो दिखता है सामने पर्दे पे। आदित्य मोहन ने कैसे, और आदित्य मोहन और काजल जी ने तो धमाल किया, और क्रिश जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, माया जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लगा। ये सब लोगों का काम है, बहुत ही अच्छी यूनिट है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अपने ब्रज जी ने कथा पटकथा भी उन्हीं का है, सबसे बड़ी बात बता दूं। हम लोगों ने काम किया लेकिन कहानी बहुत सशक्त है। काजल बताइए आप लोगों ने कैसा काम किया। काजल बताइए, सब बताइए। सबसे बड़ी बात है कि कथा पटकथा भी बहुत अच्छा है, हम लोगों ने जो काम किया, अगर कहानी अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते, सबसे बड़ी बात है। तो कहानी बहुत अच्छी है, आदिल जी ने काफ़ी मन से खर्च किया है, काफ़ी तबीयत से। हम यही दुआ करेंगे कि इनको फिल्म से रिकवरी हो, फिल्म सुपर डिपर हिट हो, यही मैं, अगर भगवान मेरी सुने तो यही मैं, और कुछ नहीं मैं मांगूंगा भगवान से। तबीयत से आदिल जी ने इस फिल्म को बनाया, कोई कमी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ सेट पे। इसके लिए देखिए मेरी आंख में आंसू आ गया, दिल से मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई कमी नहीं हुई। इंतजार था जो चीज था, अच्छी साफ सुथरी फिल्म का, और आदिल जी और ब्रजभूषण जी की टीम ने इसको पूरा जो सम्मान दिया ना, यादगार है। मैं 23 साल 24 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, यादगार सम्मान दिया। तो हम यही दुआ करें कि हे प्रभु इनको उस ऊंचाई तक भोजपुरी में पहुंचाओ कि दुनिया देखे, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही से मैं अपने फैन से यही कहूंगी कि आप सब चाहते थे कि एक साफ सुथरी फिल्म शुरुआत हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, और जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से काजल फिल्म से हो चुकी है। तो आप सब इस फिल्म को इतना प्यार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए, और इस फिल्म को थिएटर तक ज़रूर जाइए देखने के लिए, ताकि आप सब वो प्यार आशीर्वाद देंगे, तभी और प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि काजल जैसी और फिल्में बनाई जाए, ताकि आप भी अपने फैमिली, मम्मी डैडी पापा और भाई बहन के साथ जाके ये फिल्म देख सके, और इन फ्यूचर जो भी काजल जैसी फिल्म आए तभी ही ऐसे प्रोड्यूसर्स को हिम्मत होगी, जब काजल सुपर हिट होगी तभी ही वो भी चाहेंगे कि आगे भी ऐसे फिल्में बने। तो प्लीज़ हम सब, हमारी सब टीम की तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ये फिल्म को बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद। अच्छी लगी, और इस फिल्म का पात्र हूँ मैं, और नो डाउट फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत साफ सुथरी बनी है, और इस फिल्म को मुझे ऐसा लगता है कि पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं। इसके गाने भी बहुत काफ़ी जो है अच्छे और साफ सुथरे हैं, और बस खुशी की बात है, अच्छी बात है कि भोजपुरी फिल्म में भी जो है अच्छी और जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिल्में बन रही हैं। अभी जैसे मैं एक फिल्म करके आया, अभी बाकी सारी भाग भी एथलीट पे है, काजल है, तो नो डाउट मैं तो फिल्में कर रहा हूँ तो काफ़ी चेंज ओवर देखने को मिल रहा है कि फिल्मों में जो है स्टोरी में सुधार हो रही है, अलग अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है, और आज बहुत खुश हूँ कि आज हमारी आयास ट्रेलर लॉन्च हुआ। क्या किरदार है आयास खान का इस फिल्म में? ग्रे शेड कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन कोर नेगेटिव नहीं है, क्रूएल विलियर नहीं है, एक ऐसा मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव रहता है, थोड़ा सा गरीब घर का है, जैसे बोलते हैं कि मतलब जो है
सिचुएशन ऐसा आता है कि जो है आदमी सिचुएशन में कुछ गलतियां कर जाते हैं, कि बोलते हैं कि जब वक्त आता है तो आदमी गधे को ही बाप बना लेता है, तो ऐसा है कुछ पैसे की ज़रूरत रहती है मुझे, इस वजह से इस फिल्म में जो है मैं थोड़ा सा कुछ गलत काम कर जाता हूँ, फिर लास्ट में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया है। तो एक अच्छा करेक्टर है और दर्शकों ने मुझे हमेशा चाहा है, हमेशा प्यार दिया है, हमेशा जो है मेरे काम को सराहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस रोल को भी, इस करेक्टर को भी दर्शक जो है ज़रूर प्यार देंगे। आयास भाई, आने वाली आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं, मैंने उनको सजन चुन लिया, पवन जी के साथ आ रही है, खेसारी जी के साथ हमारी फिल्म आ रही है, अभी भाग खेसारी भाग आ रही है, अभी बागी आ रही है, और एक फिल्म आ रही है अभी मजनू आ रही है, अभी एक फिल्म आ रही है आपकी जो है सैयद थानेदार आ रही है, बहुत सारी फिल्में आ रही है आप लोगों के द्वारा से प्यार से, गुंडा आ रही है, तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, और इन सारी फिल्मों में आज भाई गुंडे हैं। हाँ, इन सारी फिल्मों में मेरा जो है नेगेटिव रोल है, लेकिन ये भी मुझे कह सकता हूँ कि ये जितने भी फिल्मों का नाम बताया मैंने, सब में जो है नेगेटिव करेक्टर है, लेकिन बहुत अलग अलग है, शेड्स अलग है, नेगेटिव है, किसी में कॉमिक विलन है, किसी में कोर विलन है, किसी में जो है थोड़ा सा रिच विलन है, किसी में थोड़ा स्टाइलिश है, मतलब आपको हर फिल्म में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। थैंक यू। ओके।